और जब वे बेचारे पैसा पैदा करके लाते थे तो पैसा भी ले लेता था और आभूषण भी वापस नहीं करता था। पैसा भी ले लेता था, आभूषण भी वापस नहीं करता था। ध्यान से सुने, धीरे धीरे उसने सबके आभूषणों को अपने पास रख दिया, बहुत पैसे वाला हो गया। लोग गिरवी रखें पैसा ले जाएं और पैसा लावे, आभूषण मांगे तो ये आभूषण ना दे। ये बात द्वारिकाधीश कृष्ण को पता लगा। प्रिय भक्तों, जब द्वारिकाधीश कृष्ण को पता लगा, देखो ये लोग कभी कैमरा के सामने इधर खड़े हो जाते, कभी यहाँ ये रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है और भी लोग बाहर देख रहे हैं, शाम तक 200-250 लोग देखते हैं, तो इसलिए सामने कैमरा के थोड़े बच के आओ, इधर उधर आओ, ये आपकी व्यवस्था है, व्यवस्था बना करके रखो। ये पीछे से निकलते हैं कभी लोग तो उसमें सामने से उसमें आता है, तो बहुत सारे लोग फोन करके इस बात को कहते हैं, तो इनसे बच के रहो, दूर दूर रहो भाई। केवल रिकॉर्डिंग होती तो उसमें एडिटिंग करके काट कूट के निकाल दिया जाता है, लेकिन इसमें सीधा कार्यक्रम चल रहा है, जैसे तुम बैठे हो तुम्हें दुनिया वाले देख रहे हैं, 196 देश देखते हैं यूट्यूब पर, तो आपको सब देख रहे हैं, तो बैठे भी ऐसे नहीं। कल मैं वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा था तो कोई माता ऐसे बैठी है, पता ना कौन से शोक लग गए, कोई ऐसी बैठी है। देखो तुम वैसे तो चोरी चल जाएगी, लेकिन कैमरा में आपको दो सब देख रहे हैं, हम भी रात को चेक करते हैं, देखते हैं, और हमारे ये करुणा टीवी वाले ये भी देखते हैं शाम को बैठ करके, तो इनकी भी लगभग शिकायतें रहती हैं। तो माताओं से हाथ जोड़ करके भाई बंधुओं से विनम्र निवेदन है, आसन में बैठे, लिवास में बैठे, ऐसे मत बैठो। देखो एक कैमरा इधर लगा, एक वो माताओं की तरफ लगा, एक ये, और कभी कभी ये बैठे इधर उधर घुमाते रहते हैं, तो इस तरह से आपकी कोई चोरी ना पकड़ी जाए। बोली गोविंद भगवान की जय। ये बात द्वारिकाधीश कृष्ण को पता लगा, और जब द्वारिकाधीश कृष्ण को पता लगा तो कृष्ण ने सोचा मेरे होते हुए ये राजा अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, क्या करें क्या करें। राजा का एक नियम और था, ये राजा कभी भिखारी को भीख नहीं देता था। ध्यान से सुने, बातें ना करें। जब ये भिखारी को भीख नहीं देता था, भगवान ने विचार किया इस राजा को कैसे समझाया जाए, ये तो गरीबों का शोषण कर रहा है। सो भगवान ने अपना सिर मुंडन किया और भिखारी का वेश बनाया, पुराने कपड़े पहन लिए। भगवान ये सोच रहे हैं अगर राजा बन के जाऊंगा तो ये चरणों में बैठ जाएगा, क्षमा मांग लेगा और मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, तो भगवान ने भिखारी का वेश बनाया और ये जो बेईमान राजा था इसके दरवाजे पर आ गए, द्वारपाल खड़े, आवाज लगाई, भैया कह दो अपने महाराज से, हमें महाराज से कुछ लेना है और कुछ देना है, दोनों बात कह दी। अगर लेने की बात कहते तो द्वारपाल ही भगा देते, उसका आदेश था। अब ये द्वारपाल अंदर गया, बात ना करो। जब ये द्वारपाल अंदर गया, बोले महाराज एक पुराने कपड़े पहन करके भिखारी आया हुआ है और वो ये कह रहा है कि महाराज से कुछ लेना है और कुछ देना है। कहते हैं चोर लुटेरे काले कापर बड़े दिमागदार होते हैं, दिमाग बहुत होता है, एक्स्ट्रा दिमाग होता है इनमें। राजा ने सोचा हो ना हो आज मुझे कोई आद शक्ति छलने के लिए आ गई, आज मुझे आद शक्ति छलने के लिए आ गई। तुरंत ही राजा ने द्वारपालों से कहा जाओ कह देना उस भिखारी से कि महाराज आज व्यस्त हैं, कल मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे। अब वो द्वारपाल आए, भिखारी से पहुंचे, भिखारी तो भगवान कृष्ण है, भगवान तन की मन की सब जाने। अब देखिए राजा जीव है, भगवान कृष्ण ब्रह्म है, मरते दम जीव ब्रह्म से कैसे छल करता है। द्वारपाल आए, कहने लगे महाराज हमारे राजा किसी काम में व्यस्त हैं, आज नहीं कल मिलेंगे, आप अपने घर चले जाओ। भगवान कृष्ण कहने लगे कोई बात नहीं, कल मिलेंगे तो यहीं खड़ा रहूंगा, ना उठूंगा ना बैठूंगा ना खाऊंगा ना पीऊंगा, लेकिन महाराज से मिलके ही जाऊंगा, मिलके जाऊंगा। द्वारपाल बोला ठहर जाओ महाराज, वो दोबारा पूछ के आए, अंदर गया, बोले महाराज वो तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बोले क्या कह रहा है कि बोले ना उठूंगा ना बैठूंगा ना खाऊंगा ना पीऊंगा, जब तक महाराज नहीं मिलेंगे तब ही जाऊंगा, मिल करके ही जाऊंगा। राजा बोला ऐसे तो जाएगा नहीं। बोले कह देना हमारे महाराज बीमार है। देखो ब्रह्म भगवान कृष्ण और जीव राजा छल कर रहा है, भगवान सब समझ रहे हैं। अब द्वारपाल आए, बोले चले जाओ हमारे महाराज तो बीमार हैं, आज नहीं कल मिलेंगे, जब ठीक हो जाएंगे तो मिलेंगे। भगवान कृष्ण बोले बीमार हैं तो कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर बहुत बढ़िया हूं, इलाज कर दूंगा, मुझसे मिलवा दो, मुझे मिलवा दो।
द्वारपाल फिर अंदर गए, बोले महाराज अब भी नहीं जा रहा है। बोले क्या कह रहा है? बोले ये कह रहा है महाराज बीमार है तो कोई बात नहीं, मैं उनका इलाज कर दूंगा, डॉक्टर बहुत बढ़िया हूं। राजा बोला वैसे तो जाएगा नहीं। बोले कह देना महाराज मर गए, शायद मरने के बहाने से चला जाए। अब द्वारपाल आए, कहने लगे महाराज मर गए, तन की जाने मन की जाने, जान चित्त की चोरी और बा प्यारे से कहावत जो सब जानत। भगवान समझ रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़ों में कहावत हुआ करती, बैठो बैठो कहा करे कहा लगावे घात, और तो तुझसे पहले मैं तरुण लें तराजू। भगवान बोले तुम्हारे राजा मर गए। बोले मर गए तो कोई बात नहीं, ऐसा करो कांटी पे कसके लाओ, चार कंडा लाश में डाल के जाऊंगा, जलवा के जाऊंगा, कर ले भैया छल के तनु घर छल करे। सो द्वारपाल फिर अंदर गए, उन्होंने कहा महाराज अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। बोले क्या कह रहा है? बोले ये कह रहा है महाराज मर गए तो कोई बात नहीं, चार कंडा लाश में डाल के ही जाऊंगा। सो अब देखिए फिर भी छल कर रहा है। बोले कोई बात नहीं तो ऐसा करो मुझे जिंदा ही कस लो, जिंदा ही। सो कांटी पर जिंदा राजा को कस लिया और चार के कंधों पर राजा जाने लगा। अब जैसे गेट पे आए भगवान कृष्ण बोले बड़ो नाटक हो रहा है, नाटक करे। सो भगवान लाठी टेक के पीछे पीछे, आगे आगे चारों द्वारपाल, पीछे पीछे थोड़ी प्रजा। अब वो कहते जा रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान बोले राम नाम सत्य तो थोड़ी देर बाद होगा। और जैसे ही शमशान में पहुंचे राजा को रख दिया। अब ध्यान से सुने, इस पूरी कथा का शीर्षक एक ही है। अब जब रखा, भगवान कृष्ण भिखारी के वेश में है, कहने लगे द्वारपालो दूर हट जाओ, हम महाराज से बात करेंगे। द्वारपाल बोले तो मरे हुए, बोले यहां से आगे अब और कोई जगह है जहां ले जाएगा तू, मरे तो मैं जिंदा कर लूंगा। सबको हटाया और जैसे ही मुंह को खोला, हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण खड़े, भैया राजा, अरे राजन मैं भिखारी हूं, मुझे भिक्षा दे दो। क्रोध आ गया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पास एक रुपया नहीं है जो मैं भिक्षा दे दूं। भगवान कृष्ण बोले राजन तुम तो राजा हो, तुम्हारे सभी सभी जगह धन है, धन की कोई कमी नहीं, एक रुपया दे दो, सिर्फ एक रुपया। राजा कहने लगा मूर्ख भिखारी तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरी जिंदगी का नाटक बना दिया, अगर भिक्षा मांगनी थी तो वहीं कह देना था, मैं एक रुपया तुझे दे देता। नहीं नहीं मुझे भिक्षा दे दो ना। बोले मेरे पास एक रुपया नहीं है जो मैं दे दूं। भगवान कृष्ण कहने लगे अरे मूर्ख राजा, जब तू झूठे को मरा है तो एक रुपया साथ नहीं ले जा सका, और जब सच सच मर के जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा।